सर मुकुल चोपड़ा, स्टूडेंट्स की डिमांड पे हॉरिजॉन्टल वर्किंग के बारे में आज आप डिस्कस किया जाएगा। आज आपको बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल के स्टे के बारे में। तो आप अपना सवाल पूछोगे, हॉरिजॉन्टल स्टेज एक पूरे एक स्टेज का है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेज है। तो हॉरिजॉन्टल स्टेज के तीन पार्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर। ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर है, यहाँ से यहाँ है, ये हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर। ये ड्राइवर है, ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये आउटपुट है, और ये ईएचटी सेक्शन है। ईएचटी को एलओटी भी बोलते हैं, लाइट आउटपुट ट्रांसफार्मर। तो ये अगर इन स्टेजों में से अगर अब आप पूछोगे, आपने क्या पूछना चाहते हो आप? ये सर, यदि हॉरिजॉन्टल आउटपुट ना बने तो सर कहाँ खराबी मिलेगी? तो हॉरिजॉन्टल आउटपुट ना मिले तो मेन काम ये, क्योंकि ये सब एक ही सप्लाई से चल रहा है, 110 वोल्ट से ही एस सी चल रही है। यस सर, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये सप्लाई है, ये इसकी प्राइमरी है। अगर ये 110 वोल्ट बन रही है तब ये 125 यहाँ बनेगी, ठीक है। अगर आपकी यहाँ ये सप्लाई ठीक आ रही है तो ये फिर आपको बैक आना पड़ेगा कि आपकी फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही। ऑसिलेटर पे सर? ऑसिलेटर पे, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर पे। अगर हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर पे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं बन रही तो फिर आप इसकी सप्लाई चेक करोगे। सप्लाई भी आपकी यहाँ से बन रही है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल क्या 12 वोल्ट आई, 12 वोल्ट सप्लाई आईसी को मिल रही है। ये हमारा ये 7698 आईसी है। यस सर, ठीक है जी। तो फिलहाल हम सिर्फ आज हॉरिजॉन्टल स्टेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर में अगर फ्रिक्वेंसी ड्राइव फ्रिक्वेंसी बन रही है 15625 की, तो फिर आप ड्राइवर को चेक करेंगे। 2229 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर अगर ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए तब आगे आपकी तभी आपकी ये ईएसटी नहीं बनेगी। ईएसटी ना बनने से क्या होगा कि आगे की फ्रिक्वेंसी सप्लाई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो नहीं होंगी। जैसे ये 175 जा रही वीडियो आउटपुट को, ठीक है, ये 12 वोल्ट सप्लाई जा रही है आगे, ठीक है। सप्लाई तो हम 110 वोल्ट दे रहे हैं, उसी सप्लाई से आगे बढ़ाई आगे के, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम कर रहा है ईएसटी। यस सर, ठीक है। और ये फोकस को जा रही है, ये आपकी फाइनल नोड को जा रही है, और ये स्क्रीन को जा रही है जो आपकी सीआरटी के पीछे लगता है, जिसको फाइनल नोड बोलते हैं, ठीक है, जो 28000 वोल्ट सप्लाई बनाता है जो हमारे। तो ये इसी के अंदर एक डायल लगा होता है, इसको एल ओ टी बोलते हैं, क्या नाम, लैन T20 है इसको, TV20 बोलते हैं। यस सर, आजकल क्या है कि TV20 अंदर ही आ गई है, पहले के पहले टाइम आज से 20-30 साल पहले TV20 एक अलग से आता था। ये जो डायल लगे हुए हैं ना, ये TV20 का काम कर रहे हैं। यस सर, यदि ओरिजेंटल स्टेज ना चले तो टीवी बिल्कुल ही ऑफ रहेगा या कुछ बिंदु बंद आएगी सर टीवी के अंदर? नहीं, उसमें डिपेंड करता है, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर भी ठीक है, ड्राइवर भी ठीक है, आउटपुट भी ठीक है, और अगर आपके खड़ी लाइन आ रही है तो ये आपकी योक कॉइल जो है, योक कॉइल की अगर इसका कंडेंसर ख़राब हो जाए, कंडेंसर ये जो यहाँ पे सप्लाई आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पे अगर ये योक कॉइल ओपन हो जाए तब एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, इसमें जो खड़ी लाइन आ जाएगी। यस सर, वर्टिकल से। तो अगर हॉरिजॉन्टल फेलियर होगा तो यस सर, तो उसमें एक लाइन आ जाएगी। यस सर, और तो उसमें ये आपका ये इसमें से ये जो रिसेंस लगी हुई है ये आगे जो ये अगर ओपन हो जाए दूसरी साइड से तब भी है। यस सर, तो अगर हॉरिजॉन्टल फेलियर होगा तो आपकी वर्टिकल लाइन खड़ी आ जाएगी। यस सर, तो इसका मतलब कि आपकी ईएसटी आपकी बन रही है, ईएसटी अगर ना बन रही हो तो आपको खड़ी लाइन नहीं आएगी, आपकी लाइन खड़ी आ रही तो सर बन रही है। हाँ, इसका मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर भी चल रहा है, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर भी चल रहा है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट भी चल रहा है, परंतु आपका ये कुछ पार्ट आपका ख़राब है, उसमें योक कॉइल भी ओपन हो सकती है। यस सर, ठीक है। और सवाल पूछो आप। सर इसमें डायोड नहीं लग रहा सर, लेकिन इसमें डायोड लग रहा सर, ये कैसे? ये इसमें क्या है कि BU508D है, ये इसमें मीटर और कलेक्टर के बीच में एक डायोड लगाया जाता है, इंटरनली लगा होता है। यस सर, इसका वीडियो भी पहले अपलोड हो चुका है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये डायोड क्या है कि इसमें इंटरनली लगा होता है, तो ये आपका वीडियो आउटपुट में डी ट्रांजिस्टर जहाँ पे डिमांड है तो डी लगाना पड़ता है, कई टीवी में नहीं होता, सब में नहीं होता, तो डी लगाना, सब में डी लगाना, ये वाला डी वाला ट्रांजिस्टर लगा हुआ यहाँ पे, आगे डी लिखा हो ना एंड में, तो उसके मीटर कलेक्टर के बीच में डायोड लगा होगा।
हम इसकी नहीं जगह ये और इसकी जगह ये लगा सकते हैं सर? नहीं नहीं ये तो बहुत छोटा ट्रांजिस्टर है, ये पावर ट्रांजिस्टर है, तो ये सब सब पावर कह सकते हैं इसको, ये पावर है ठीक है, ये इसका ये जो काम है, ये यहाँ से आपका फाइनल नोड जा रहा है, ये कहाँ पे वीडियो आउटपुट में सर? ना हाँ ई जी, एस टी के फाइनल नोड, यस ये सर, फाइनल नोड यस सर, ठीक है, यस तो ये ओरिएंटल ये जो आपके सी आर टी के फाइनल नोड पे जा रहा है, यस सर, ये फोकस है, ये स्क्रीन है, ये भी आपके यहाँ पे जा, ये तो इसकी बेस पे जाता है, ये इसमें यस जाता सर, है मेन में। और कुछ पूछना तो पूछो आप। थैंक यू एवरीबॉडी।